नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। सरकार में बैठे सरकारी अधिकारी जनता के सेवक हैं या षड्यंत्रकारी? सीनियर अधिकारी के खिलाफ षड्यंत्र रचना बिजली निगम के एक्सियन सुरेंद्र मक्कड़ को महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि पुलिस, विजिलेंस और साइबर सेल की मदद से इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। पलवल के पुलिस अधीक्षक की जांच रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। यमुनानगर में हुए बिजली घोटाले में एक्सियन सुरेंद्र मक्कड़ को जहां हाई कोर्ट ने राहत दी है, वहीं एसपी पलवल की रिपोर्ट पर उनका निलंबन हो गया है। आपको बता दें कि यमुनानगर बिजली बोर्ड में हुए घोटाले के बाद हाई कोर्ट की राहत पर जहां एक्सियन सुरेंद्र मक्कड़ ने चैन की सांस ली थी, वहीं अपने ही विभाग में सीनियर अधिकारी के खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप में वह सस्पेंड हो गए। इस मामले में कानूनी विशेषज्ञ के मुताबिक राहत मिलना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। इसके अलावा दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम ऑपरेशन सर्कल के एसी केडी बंसल का नाम भी जुड़ रहा है। हैरानी होती है कि सरकार में जनता द्वारा प्राप्त करों पर सुविधाएं पाने वाले ऐसे अधिकारी षड्यंत्रकारी भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि सीनियर अधिकारी के खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप में उत्तरी हरियाणा बिजली निगम के एक्सियन सुरेंद्र मक्कड़ तथा दक्षिणी हरियाणा बिजली निगम के ऐसे केडी बंसल को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उनको चार्जशीट भी भेज दी गई है। इसका जवाब उन्हें 30 दिन के अंदर देना होगा। निगम के द्वारा जारी पत्र के अनुसार एसके मक्कड़ एक्सियन निलंबित को इस मेमो की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर ही उत्तर देना है। क्या वह सभी अथवा कुछ चार्जेस को सही मानते हैं? अगर वो चाहते हैं कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुना जाए तो उन्हें लिख कर देना होगा। चार्जशीट के अनुसार एसके मक्कड़ एक्सियन को यह सूचित किया गया है कि अगर वो अपना लिखित बयान देने के लिए इस चार्जशीट के साथ अटैच दस्तावेजों के अतिरिक्त कोई और ऑफिशियल रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो इसे अपर सचिव पंचकुला के कार्यालय में किसी भी दिन देख सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने खर्च पर वहां जाना होगा। लेकिन यहां यह बताया जाता है कि उनको केवल वही कागजात दिखाए जाएंगे जो कार्यालय के पास है और जिनका चार्जशीट से संबंध है, और कोई भी कागज जिसका चार्जशीट से कोई संबंध नहीं है अथवा जो कार्यालय में नहीं है उन्हें दिखाने से इनकार कर दिया जाएगा। अगर एसके मक्कड़ एसियन कागजात देखने में असफल रहते हैं तो इसकी वजह से उन्हें उत्तर देरी से देने की इजाजत नहीं होगी। अगर वो दिए गए समय में लिखित उत्तर नहीं देते तो मान लिया जाएगा कि उन्हें कुछ भी जमा नहीं करवाना है। यह स्पष्ट समझ लिया जाए कि उनके खिलाफ त्रुटियां अगर सत्य होती हैं तो उस कार्यालय के लिए उनकी एसीआर को नॉन परफॉर्मेंस के आधार पर डाउनग्रेड कर दिया जाएगा, जो हरियाणा सरकार के निर्देश हैं, जिसे बोर्ड ने भी अपने सर्कुलर मेमो से स्वीकार कर लिया। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि यह पूरा मामला है क्या और एसके मक्कड़ एक्सियन के खिलाफ क्या आरोप है। अब आप सभी आरोपों को ध्यान से सुनिएगा, जिसके दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं और जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे हैं। एक्सियन के खिलाफ ये सभी आरोप हम आपको दस्तावेजों के आधार पर बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सुरेंद्र मक्कड़ एक्सियन ने एक्सियन केंद्रीय स्टोर UHBVN पानीपत के पद पर 21 अप्रैल 2018 से 21 सितंबर 2020 तक रहते हुए जो गलतियां की हैं, जो UHBVN कर्मचारी नियमावली 2008 का उल्लंघन है। आपको यह भी बता दें कि 23 मई 2020 को शिवराज सिंह एक्सियन ओपी डिवीजन DHBVN ने वरुण शोकंत निवासी सेक्टर 9 फरीदाबाद के खिलाफ धोखाधड़ी और फ्रॉड का थाना कैंप पलवल में सेक्शन 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज करवाया था, जो कि HPU के विजिलेंस विंग की जांच के आधार पर कराया गया था, जिसमें 28 अगस्त 2020 को
पलवल एसपी द्वारा जांच रिपोर्ट दी गई। जांच के दौरान वरुण शोकंद ने कबूल किया कि वह डीएच बीवीएन के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों से लगातार संपर्क में था और उनसे वह उसके खिलाफ हो रही विजिलेंस जांच से संबंधित जानकारी प्राप्त कर रहा था। उसने यह भी स्वीकार किया कि जनवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में केडी बंसल ने उसे कॉल किया और गुरुग्राम के एक गेस्ट हाउस में मिलने के लिए बुलाया। सुरेंद्र मक्कड़ और एक गहरे रंग का अनजान व्यक्ति केडी बंसल एसी के साथ गेस्ट हाउस में मौजूद था। उन्होंने वरुण शोकंत को बताया कि डीएच बीवीएन एसडीएम शत्रुजीत कपूर और यूएच बीवीएन जो एक आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने व एचपीयू के विजिलेंस विभाग ने उसके खिलाफ एक जांच की है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जाएगा। मुकदमे और गिरफ्तारी का भय दिखाकर केडी बंसल, सुरेंद्र मक्कड़ और उस गहरे रंग के व्यक्ति ने वरुण शोकंद को भड़काया कि वो एसडीएम के खिलाफ एक काउंटर शिकायत करते, जो विजिलेंस जांच और एफआईआर के खिलाफ उसका काउंटर ब्लास्ट होगा। इसके बाद वरुण शोकंद ने यह भी स्वीकार किया कि केडी बंसल एसी, सुरेंद्र मक्कड़ एक्सियन और उस गहरे रंग के व्यक्ति ने उसे एसडीएम डीएच बीवीएन यूएच बीवीएन के खिलाफ झूठी और आधारहीन शिकायत पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाया। फिर 5 फरवरी 2020 को वरुण शोकंद को मेल पर कुमार हितेश 49 अकाउंट से एक मेल आई। उसके बाद केडी बंसल ने उसे फोन किया और कहा कि इस ईमेल का प्रिंट लो और हस्ताक्षर करके वापस भेज दो। वरुण शोकंद ने शिकायत पर हस्ताक्षर करके उसे वापस सेंड कर दिया। वरुण शोकंद ने यह भी स्वीकार किया कि उससे उस शिकायत में वर्णित किसी भी आरोप का कोई अंदाजा नहीं था और ना ही उसे उन अधिकारियों के नंबर व नाम पता है जिन्हें यह शिकायत भेजी गई और ना ही उसे यह पता है कि उसके साथ क्या कागजात लगाए गए। अब यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि किस तरह से पलवल पुलिस ने साइबर सेल की मदद लेकर इस मामले का पटाक्षेप किया। पलवल पुलिस अधीक्षक विजिलेंस और साइबर सेल की मदद से कैसे इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ, सरकारी अधिकारियों के साथ जो यह धोरा खेल खेला जा रहा था उसका खुलासा कैसे हुआ, इसके बाद 29 जून 2020 को वरुण शोकंद की मेल आईडी पर कुमार हितेश 49 जीमेल अकाउंट द्वारा जो मेल भेजी गई थी उस मेल के पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए एक नोटिस सीआरपीएस की सेक्शन 91 के तहत गूगल के कानूनी हेड को पुलिस अधीक्षक पलवल को दी गई। 23 जुलाई 2020 को गूगल ने अपने उत्तर में यह जानकारी दी कि बीएसएनएल व एयरटेल को आईपीएस एड्रेस का पता लगाने के लिए इंचार्ज साइबर सेल पलवल ने 25 जुलाई 2020 को पत्र व 30 सितंबर 2020 को ईमेल भेजी है। 30 जुलाई 2020 को बीएसएनएल ने एक लेटर द्वारा आईपीएस एड्रेस की जानकारी दी और बताया कि ग्राहक की आईडी कपिल देव बंसल मकान नंबर 10 टाइप 7 विद्युत नगर डीसी कॉलोनी हिसार के नाम पर है, जिससे यह साबित हो गया कि जीमेल के अकाउंट कुमार हितेश 49 से जीमेल के अकाउंट जो कि वरुण डॉट शोकंद को भेजी गई ईमेल पर कपिल देव बंसल के पते से ही भेजी गई है। इसी प्रकार से एयरटेल ने भी जानकारी दी कि आईपी एड्रेस व ग्राहक आईडी कपिल देव बंसल की है और यह भी कंफर्म किया कि नंबर की एक्टिवेशन डेट 11 अप्रैल 2018 है। इससे यह साबित हो जाता है कि केडी बंसल ही वो व्यक्ति है जिसने वरुण शोकंद को 5 फरवरी 2020 को ईमेल से कागजात भेजे हैं। आपको यह भी बता दें कि आईटी एक्ट 2000 की धारा 11 के तहत कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उसके मूल लेखक के नाम ही माने जाते हैं, इसीलिए केडी बंसल की जीमेल के अकाउंट कुमार हितेश 49 की ईमेल आईडी बनाई गई और वरुण शोकंद को उसकी ईमेल पर कागजात भेजे।
इसके बाद डीएसपी विजिलेंस एचपीयूएस फरीदाबाद ने अपने मेमो में वरुण शोकन द्वारा दिए गए असल शपथ पत्र को मुकदमे में शामिल किया, जो सुरेंद्र मक्कड़ एक्सियन और केडी बंसल एसी द्वारा एसडीएम के खिलाफ रचे गए षड्यंत्र में उनकी भूमिका पर स्पष्ट रोशनी डालता है। इसके साथ इस शिकायत में 14 नवंबर 2019 को हरियाणा पावर इंजीनियर एसोसिएशन, जिसके उस समय केडी बंसल प्रधान व एसके मक्कड़ संगठन सचिव थे, उनके द्वारा दी गई शिकायत से बिल्कुल मिलते हैं। यह उनके खिलाफ एक और गवाही है। यह बताना महत्वपूर्ण होगा कि शिकायत में उठाए गए बहुत से प्रश्न पहले ही राज्य सरकार फाइल कर चुकी है, क्योंकि हरियाणा सरकार के विद्युत विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा भारत सरकार के गृह सचिव, गृह मंत्रालय नई दिल्ली को भेजे गए मेमो 27 अगस्त 2020 के तहत इसमें कोई सच्चाई नहीं पाई गई। एसपी पलवल के तहत प्राप्त जांच को यूएचबीवीएन पंचकुला के चेयरमैन व प्रबंधक निदेशक के सामने रखा गया, जिन्होंने इसे स्वीकार करते हुए अपने रिमार्क्स इस प्रकार से रिकॉर्ड किए कि इस मामले को हायर अथॉरिटी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उचित निर्णय के लिए भेजा जाए। इसी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूएचबीवीएन के सामने दिनांक 25 सितंबर 2020 की बैठक में एजेंडा आइटम के तहत एक एजेंडा रखा गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ज्ञापन को स्वीकार किया और यह फैसला लिया। शत्रुजीत कपूर चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक ने डिस्कशन में भाग नहीं लिया और मीटिंग से दूर रहे। सीई एडमिन यूएचबीवीएन ने बोर्ड को पूरे मामले की तथ्यों से जानकारी दी। शपथ पत्र के मैटर व कार्यालय रिकॉर्ड को देखने के बाद और एसपी पलवल की जांच रिपोर्ट के साथ मिलान करने के बाद बोर्ड ने सुरेंद्र मक्कड़ एक्सियन यूएचबीवीएन को निलंबित करने का और चीफ इंजीनियर पंचकुला को रिपोर्ट करने का निर्णय लिया और उसके खिलाफ यूएचबीवीएन कर्मचारी एक्ट 2018 के तहत कार्यवाही करने का निर्णय लिया। बता दें कि निर्णय के अनुसार इसीलिए एसके मक्कड़ एक्सियन को लिए जिम्मेदार माना गया है। अब आइए आपको बताते हैं कि एक्सियन सुरेंद्र मक्कड़ पर किन तथ्यों के आधार पर आरोप लगे हैं। केडी बंसल एसई डीएचबीवीएन के साथ मिलकर अपने सीनियर अधिकारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचना, वरुण शोकंद को अपने सीनियर अधिकारियों के खिलाफ झूठी शिकायत करने के लिए अपने षड्यंत्र के तहत भड़काना, वरुण शोकंद द्वारा एसडीएम के खिलाफ अलग अलग अथॉरिटी, जिसमें केंद्रीय पब्लिक शिकायत निवारण और निगरानी सिस्टम भी है, उसमें झूठी शिकायत करवाकर सरकार अधिकारियों और विद्युत विभाग के कर्मचारियों में सीनियर अधिकारियों की छवि खराब करना, आम लोगों में निगम प्रबंधन की छवि को खराब करना, यूएचबीवीएन कर्मचारी नियमावली का उल्लंघन करना, एक्सियन सुरेंद्र मक्कड़ ने एक्सियन सेंट्रल स्टोर पानीपत यूएचबीवीएन के पद पर 21 अप्रैल 2018 से 21 सितंबर 2020 तक रहते हुए निगम के अधिकारी के रूप में यूएचबीवीएन कर्मचारी एक्ट 2008 का उल्लंघन करते हुए त्रुटियां की हैं। अब आप जानिए एसके मक्कड़ निलंबित के खिलाफ गवाहों की सूची क्या है। यह सूची है शिवराज सिंह, जो कि दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम पलवल में एक्सियन है। इसके अलावा वरुण शोकंद, पलवल के पुलिस कप्तान के रीडर तथा स्टेनो, फरीदाबाद विजिलेंट के डीएसपी जितेश, अजय कुमार खन्ना, पंचकुला के मॉनिटरिंग एसी राजेश अरोड़ा तथा पलवल साइबर सेल के इंचार्ज हेड कांस्टेबल विनोद कुमार है। सारा मामला सुनने के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह कितना बढ़िया षड्यंत्र रचा जा रहा था। इसके पीछे की क्या वजह है, यह अभी साफ नहीं हो पाई है, मगर इस पूरे मामले में पलवल पुलिस अधीक्षक, विजिलेंस और साइबर सेल का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। निगम के सीएमडी शत्रुजीत कपूर के खिलाफ झूठी शिकायत करवाने की तैयारी की जा रही थी,
लेकिन इनके षड्यंत्रकारी नीतियों का पहले ही खुलासा हो गया। आइए सुनते हैं क्या कहना है इस बारे में हमारे संवाददाता तरुण मदान का। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और इस समय आप देख रहे हैं समाचार। इसमें आपको बता दूं कि इस समय मैं आपको जो खबर बताना जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि इस तरह से कुछ अधिकारियों ने अपने सीनियर अधिकारियों को एक षड्यंत्र के तहत फंसाने की साजिश रची थी, जिसका कि पर्दाफाश पलवल पुलिस कप्तान की रिपोर्ट के आधार पर हो गया है। मैं आपको बता दूं कि इस सारे मामले में दो अधिकारियों पर गाज भी गिरी है, जिनकी सस्पेंड कर दिया गया है, जिनमें से एक का नाम सुरेंद्र मक्कड़, जो कि उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम में एक्सएन के पद पर कार्यरत रहे हैं। वो करनाल में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। यहाँ पर करनाल में उनकी कार्य प्रणाली के कई कसीदे पड़ जाते हैं, कड़े कसीदे पड़ जाते थे कि वो किस तरह से मेहनत कर इंसान था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने साजिश रची थी अपने सीनियर अधिकारी को फंसाने के लिए, उसका पर्दाफाश हो चुका है और अब वो फिलहाल सस्पेंड हैं। और अगर वो समय रहते विभागीय जांच में सहयोग नहीं करते और उनके द्वारा दिए गए कागजातों को सही और गलत नहीं ठहराते, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा दक्षिणी बिजली निगम है, उसमें भी एक है KD बंसल, वो उनके साथ थे। आपको बता दें कि इस सारे मामले में दक्षिणी बिजली वितरण निगम के ऑपरेशन सर्कल में एक्शन रह चुके शिवराज सिंह ने फरीदाबाद के रहने वाले वरुण शोगंद के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया थाना कैंप पलवल में, जिसकी की जांच SP पलवल द्वारा की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिन अधिकारियों का मैं पहले नाम ले चुका हूँ, सुरेंद्र मक्कड़ और KD बंसल, इनका नाम सामने आया। इसके अलावा मैं आपको जानकारी दे दूँ कि इस पूरे मामले में किस तरह से साइबर की भी मदद ली गई और किस तरह से पुलिस, विजिलेंस और साइबर सेल ने इस सारे मामले का पटाक्षेप किया, इस सारे मामले का खुलासा किया, उससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से कुछ अधिकारी अपने सीनियर अधिकारी को एक षड्यंत्र के तहत फंसाना चाहते थे। अब सवाल यहाँ यह पैदा होता है कि आखिर उनको अपने सीनियर अधिकारी को फंसाने की ज़रूरत क्या पड़ी, उनका मकसद क्या था। यदि वरुण शोकंद या SP पुलिस कप्तान की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह मामले का खुलासा नहीं होता तो एक और बड़ा मामला सामने आ सकता था। धन्यवाद। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए। Thank you.
लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।